नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है वो ये है कि डियर सर, मुझे मॉर्निंग में बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं। दिल करता है खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे ओसीडी भी है और मैं इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड और डरी डरी सी रहती हूँ और बहुत वहम करती हूँ। काफ़ी वक्त से दवाई भी खा रही हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। प्लीज़ मुझे गाइड करें, कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊँ। थैंक यू। सो दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है इनको ओसीडी है। ओसीडी होता क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन क्या होता है कि एक सवाल आपके दिमाग में, एक बात आपके दिमाग में आ गई और फंस गई, वो जा नहीं रही है। जैसे मान लीजिए आपको, आप घर का लॉक लगा के बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक थॉट आया कि आपने लॉक शायद ठीक से बंद नहीं किया, तो आप बार बार वो थॉट इस तरीके से आता है। आपको लगता है कि सारे कोई ना कोई घर में आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, मोबाइल ले जाएगा, लैपटॉप ले जाएगा कुछ इम्पोर्टेंट, और लैपटॉप में आपने बहुत सारी चीज़ें छिपा रखी हैं और वो वहाँ जाके लोगों को दिखा देगा, आप बदनाम हो जाएंगे। मतलब इस तरीके की बातें कि ऐसा ऑब्सेशन क्रिएट होता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है। आपको लगता है कि नहीं, वापस जाना पड़ेगा। आप फिर वापस जाते हो, चेक करते हो, चेक करके वापस आते हो। रास्ते में फिर आपको लगता है पता नहीं चेक किया कि नहीं किया, शायद मैंने चेक नहीं किया। मतलब आप 10-15 बार चेक कर लो, उसके बावजूद भी ऐसा लगता रहता है कि शायद चेक नहीं किया है। इसको बोलते हैं ऑब्सेशन, और बार बार रीचेकिंग करना हो गया कंपल्शन। और इसको, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ख़राब करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसऑर्डर, क्योंकि आपकी लाइफ में, लाइफ ऑर्डर में तो रही नहीं ना फिर ये सब। और ये चीज़ें ना इतने पुरानी है, इतने कॉमन है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। रीज़न ये है क्योंकि लोग जज करते हैं। लोग कहते हैं कि लोग तो डॉक्टर के पास है, साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी को पता लग गया, रिश्तेदारों को पता लग गया, तो वो तो ये कहेंगे यार तुम तो पागल हो। तो इस एम्बेरसमेंट के, इस शर्मिंदगी के डर से भी लोग नहीं जाते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत पुराने ज़माने से है ये चीज़, बीमारी मेंटल, इसको बोल सकते हैं मेंटल इलनेस है। और ये जब पुराने ज़माने में होता था तो लोग इसको ये बोलते थे कि इसके ऊपर ना कुछ भूत प्रेत का साया है और इसके ऊपर डीमंस जो होते हैं, जैसे ये कुछ भूत प्रेत आ गया है और जो कि इससे काम करवा रहा है, इस तरीके से, इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन नए ज़माने में स्टडी के दौरान ये पता चला कि यहाँ पे ये कुछ, इसके कुछ वैसे एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं, इसके कुछ पक्के रीजंस पता नहीं चल पाए हैं। कुछ बोलते हैं जेनेटिक्स हैं, कुछ बोलते हैं एनवायरमेंटल हैं, कुछ बोलते हैं कि कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये ओसीडी ट्रिगर हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने ये पूछा है कि मॉर्निंग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स तो आने ही हैं, क्योंकि इंसान एक कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी बात से परेशान है और वो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि कोई इंसान है, किसी को हाथ धोने का बहुत बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा हाथ धोते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको लगता है कि जर्म्स आ गए हैं। और चलो ये तो फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब क्योंकि ये जो लेवल ऑफ ओसीडी है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ता चले जाता है। इंसान को दूसरे को समझा भी नहीं पाते हैं अपनी बात, लोगों की समझ में भी नहीं आती है। जब ये रिलीजियस ओसीडी बन जाता है, जो कि इंसान जब भी कुछ करता है तो उसको लगता है कि कुछ गलत हो गया, उसको सज़ा मिलेगी, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी उलझती है कि वो एक नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता। और वो बहुत सारी दवाइयाँ भी खाता है तो दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दवाई तो बस आपके उस एंग्जाइटी वाले मोमेंट को थोड़ा रिलैक्स या काम डाउन कर सकती हैं, लेकिन वो आपका ओसीडी या वहम नहीं ठीक कर सकती। तो इन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये है कि क्या कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग पे सीधे तरीके से काम करती हैं और कुछ होते हैं इनडायरेक्टली काम करती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। आपका शरीर कमज़ोर है तो आपके दिमाग पे भी तो असर पड़ेगा, आप उस चीज़ को सही से प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम से कम आप एक रूटीन बनाएं जहाँ पे कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें पसीना निकले आपका, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हैं और इनकी कमी की वजह से
जो ब्लड सर्कुलेशन में फर्क पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन तक नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रेन के लिए ईंधन का काम करता है, ठीक है। तो और उसके लिए मिनरल्स की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं दिमाग में, जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और मिनरल्स भी बॉडी उसको पास आउट कर देती है, बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पाती। और हमारी जो डाइट है, भारत के जो लोग हैं वो इन बातों का तो ख्याल ही नहीं करते, मिनरल विटामिन क्या होते हैं ये, उनको इन चीज़ की समझ ही नहीं है कि वाटर सोल्यूबल भी है, और वो दवाइयाँ खाते रहेंगे, कोई बीमारी हो जाती है दवाई खाते हैं, वो ये नहीं समझते कि हमारी जो खुराक है वो उसमें ही दवाई छिपी हुई है। हमें अपनी शरीर की प्रकृति समझनी पड़ेगी कि ये कफ है, पित्त है, वायु है, मतलब वायु दोष है इसमें, पित्त दोष है या कफ दोष है, ये प्रकृति समझनी पड़ती है हमको। उसके हिसाब से हमें अपना खान पान कि किसकी तासीर ठंडी है, किसकी तासीर गर्म है, इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तो चीज़ें हो गई सिंपल। उसके बाद आप धूप धूप में भी ज़रूर जाएं, और नींद नींद का भी बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हो गया एक्सरसाइज, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया एक्सरसाइज न्यूट्रिशन सनलाइट स्लीप और एयर एंड वाटर, हवा और पानी, पानी की कमी से भी होता है, और हवा स्वच्छ हवा भी लें। तो ये तो छह चीज़ें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, और वो ये है, जब आप ये समझ लो इन सब चीज़ों से आपके ओसीडी पे सीधे तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको अपना ओसीडी ठीक करना है तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से ओसीडी हैं, क्योंकि और उन ओसीडी को देखो, ओसीडी किसी भी तरीके से अगर जाएगा तो वो सिर्फ एक्शन करके ही जाएगा, वो कभी भी रीजनिंग से नहीं जाता है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया लोगों से बात करके, रीजनिंग से नहीं जाता, लोग रीजनिंग करते हैं, आपको एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन के लिए दो तरीके हैं, या तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा या आपको रियल में करना पड़ेगा। रियल में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए विजुअलाइज करें। विजुअलाइज कैसे करना है उसको, जैसे मान लीजिए आपको हाथ धोने की प्रॉब्लम है, तो आप विजुअलाइज करें कि आप हाथ नहीं धो रहे हो, और आप हाथ नहीं धो रहे हो तो अब आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप उस एंग्जाइटी को भी विजुअलाइज करें, और उसको ऐसे महसूस करें कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब आपने रियल में कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ माइंड में करा है। माइंड में करने के बाद आपने उस एंग्जाइटी के साथ भी माइंड में रहना है, आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, और आपने खुद को ये बोलना है कि क्या हो जाएगा, क्या हो क्या जाएगा, कोई बेसिस नहीं होता है इसका। और आप चाहे रीजनिंग करो चाहे कुछ करो, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको खुद से सवाल करने हैं, मुझे ये आदत डालनी है कि नहीं डालनी है, नहीं डालनी है तो बस नहीं डालनी है, उसके आगे सोचना नहीं है। लोग क्या करते हैं ओसीडी में, सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। यार एक बार क्लियर सोचो, खुद से ये सवाल करो जब भी कुछ करते हो, क्या ये ओसीडी है? इफ़ इट इज़ ओसीडी, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या मुझे आदत डालनी है? अगर नहीं डालनी उसके बाद मत करो, सोचना भी नहीं है, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कर लो, सोचना नहीं है। क्या होता है धीरे धीरे ना आप इस चीज़ को समझोगे और आपकी ये आदत छूट जाएगी। जितना आप खुद को अवॉइड करोगे इन चीज़ों से, उतना आप इस फियर को स्ट्रांग बनाओगे। देखिए स्टार्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी, पहले सेफ एनवायरनमेंट में करो जितना हो सके, थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू करो। इसको करते करते 4-6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अवॉइड करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनफैक्ट अवॉइड करने से ये 10 और डिफरेंट चीज़ों में आ जाएगा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो इन चीज़ों को एक्सपेंड करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति निडर हो जाओगे, तो ये 10 अलग अलग जगह में भी कंट्रोल कर देगा, कम कर देगा। तो अभी के लिए इतना ही है। तो सुसाइडल थॉट्स की कोई दिक्कत नहीं है, जब सुसाइडल थॉट्स हैं आपको पॉजिटिव सोचना है। लोग कहते हैं कि यार टॉक्सिक पॉजिटिविटी किसी काम की नहीं होती, लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया कि पॉजिटिविटी चाहे फेक भी हो, चाहे नकली भी हो, डुप्लीकेट भी हो, वो असली नेगेटिविटी से तो नकली पॉजिटिविटी कहीं गुना बेहतर है।
अगर आप रियल में बहुत डिप्रेशन फील करते हो और आपको लगे कि जिंदगी में कुछ है नहीं, तो कम से कम अपने आप को सिर्फ ये झूठ में ही बोल दो, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी या निकलूंगी मैं इस चीज़ से, बिल्कुल निकलेंगे, ये झूठ है। लेकिन खुद को बोलना जरूरी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है ना, वो इतना सरीह और सीधा नहीं है कि उसको जो बोल दिया समझ में आ जाएगा। तो उसके साथ भी थोड़ी गेम्स खेलनी पड़ेंगी। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।